कि चमन में बुलबुल, बहुत बार सुने होंगे, इस बार भी मोहब्बत से सुन लीजिए। नहीं, आपका अंदाज ज्यादा है माशाल्लाह। चमन में बुलबुल चहक रहा है, चमन में बुलबुल चहक रहा है, चमन में बुलबुल चहक रहा है, फिजा में डाली लहक रही है, चमन में बुलबुल चहक रहा है, फिजा में डाली लहक रही है, चमन में बुलबुल फैज गए, उन्हीं की आमद का फैज गए, के सारी दुनिया महक रही है, उन्हीं की आमद का फैज गए, के सारी दुनिया महक रही है, चमन में बुलबुल चहक रहा है, फिजा में डाली लहक रही है, नजरों के सामने हो, क्या कहने माशाल्लाह, मदीना नजरों के सामने हो, बदन से जिस वक्त रूह निकले, मदीना नजरों के सामने हो, बदन से जिस वक्त रूह निकले, मदीना नजरों दिलो जिगर में, यही तमन्ना दिलो जिगर में, न जाने कब से खटक रही है, यही तमन्ना दिलो जिगर में, न जाने कब से खटक रही है, और ये भी शेर बतौर खास कि अगर ये मौका नसीब होता, अगर ये मौका नसीब होता, तो उनके रोजे पे जाके कहता, अगर ये मौका नसीब होता, तो उनके रोजे पे जाके कहता, अगर ये मौका को जब से छोड़ा, तुम्हारी सुन्नत को जब से छोड़ा, तमाम उम्मत भटक रही है, तुम्हारी सुन्नत को जब से छोड़ा, तमाम उम्मत भटक रही है, चमन में बुलबुल चहक रहा है, फिजा में डाली लहक रही है, बहुत संजीदगी से सुनते हैं। और एक आखिरी मिसरा, अगर आप लोग इजाजत दें तो पढ़ो, एक बार सुन के पूरा मजमा कह दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हासिल करता हूँ बतौर खास। चमन में बुलबुल चहक रहा है, फिजा में डाली लहक रही है, मरीज इश्क रसूल हूँ मैं,
मरीज इश्क रसूल हूँ मैं, इलाज मेरा फकत यही है। मरीज इश्क रसूल हूँ मैं, इलाज मेरा फकत यही है। मरीज मदीना जाकर, मदीना जाकर के छोड़ आओ, मदीना जाकर के छोड़ आओ के रूह मेरी अटक रही है। मदीना जाकर के छोड़ आओ के रूह मेरी अटक रही है। चमन में बुलबुल चहक रहा है, तशरीफ लाए और अपनी नसाए आलिया और वालिया से हम सब के लिए एक ऐसा खत खींचें जिससे हमारी आइंदा की जिंदगी बेगुबार हो जाए। तो मैं आवाज देता हूँ इंतहाई अदब एहतराम के साथ हजरत आज मुफ्ती नूर अफ्तार साहब को, हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने खिताबत आलिया और वालिया से हम सबको महजूद और मुस्तफीद फरमाए। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. بزرگان دین، علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں، اللہ کا بے حد شکر ہے ہم لوگ دینی باتیں سننے کے لیے سیرت پاک کا یہ اجلاس جو منعقد ہوا ہے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرکت کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سبوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی جتنی ساری نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور بالا آقا پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ نہیں ہوتے دنیا نہیں بنائی جاتی، آپ کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، پوری کائنات کا خلاصہ جناب محمد رسول اللہ۔ کھانا اٹھا کر دے دو اور یہ ساگر عشق و محبت یوں چھلکتا ہی رہے، نگاہوں میں کوئے مدینہ اور گنبد خضرہ گھومتا ہی رہے، مگر ہے افسوس۔